वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं आज का अनकट। नाजरीन, गैर आबाद मस्जिदों को आबाद करवाना नेकी का काम है और आजकल नौजवानों को बहुत ही जज्बा आ गया है, आगे बढ़ रहे हैं, वक्बोट छो रहा है, नौजवान जाकर मस्जिदों को आबाद कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जो गैर आबाद मस्जिदों को आबाद करने के बाद इसकी देख रेख, इसका ख्याल रखना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं कि मस्जिदों को आबाद कर दिया, वक्फ बोर्ड चेयरमैन को बुलाया, इफ्तिताह करवा दिया, नमाजें शुरू करवा दी और गायब। ये नहीं चलेगा। ऐसा ही एक वाकया हम आपको बताने जा रहे हैं। आज से कुछ महीने पहले कुतुबशाही मस्जिद नादरगुल, जो गैर आबाद थी, आबाद करवाई गई। वक्फ बोर्ड चेयरमैन को ले जाया गया, इफ्तिताह हुआ, नमाजें हुई, गुलपोशियां हुई, मिठाइयां तकसीम हुई, फोटोएं वायरल हो गई, न्यूजों में आ गया, सऊदी चले गए, अमेरिका चले गए फोटोज, बड़ी खुशी हुई। बाद में क्या हुआ पता नहीं। आज इस मस्जिद नादरगुल कुतुबशाही मस्जिद के आसपास जो औकाफी जायदाद है उस पर भगवा झंडे लग चुके हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं, किसी को पूछने की हिम्मत नहीं है। जिन लोगों ने मस्जिदें आबाद करवाई वो कहां है पता नहीं। अब वक्फ बोर्ड का तो छोड़िए, चेयरमैन साहब का तो छोड़िए, बोल नहीं सकते। सबूत है मेरे पास। मैं जब मस्जिद आबाद हुई, जब का भी आपको वीडियो बताता हूं, और आज जो हालात है वो भी फोटोज आप देख सकते हैं। देखिए एक नजर। का खजाना उस नियामत से खाली है, दुनिया के माल पैसे से सुकून मिलता तोहफा। नाजरीन, जो लोग डंका बजाकर इस मस्जिद को आबाद करने के लिए गुलपोशियां, मिठाइयां तकसीम हुई, फोटोज डिस्ट्रीब्यूट हुए, सऊदी तक गए, वहां से क्या क्या है पता नहीं है, उसके बाद अतराफ की जमीन पर औकाफ की भगवा झंडे लग चुके हैं, लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द हो सकता है, खुदा ना खास्ता, इस मस्जिद की औकाफी जायदाद पर भगवा झंडे आहिस्ता आहिस्ता किसी और शक्ल ले सकते हैं। मुकामी आवाम ने कई मरतबा वक्फ बोर्ड चेयरमैन और जिन लोगों ने यह मस्जिद आबाद करवाई है, क्रेडिट जो लेना चाहते हैं उनको इत्तला दी, लेकिन शायद हो सकता है हम तो आबाद करवा दिए, इफ्तिताह हो गया, गुलपोशियां हो गई, मिठाइयां तकसीम हो गए, फोटोज चले गए, सऊदी चले गए, दुबई चले गए, वहां के लोग खुश, हम खुश, अब भगवा झंडे लगो चाहे कुछ लगो हमें कोई परवाह नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं वहाँ की आवाम सोच रही है। बस वक्फ बोर्ड चेयरमैन से गुजारिश है और जिन लोगों ने इस मस्जिद को आबाद करवाने का दावा करा है उन लोगों से भी गुजारिश है कि आज अनकट प्रोग्राम में ये हमने बताया है तो लिहाजा नींद से जागिए, कल कोई बड़ा नुकसान होने से पहले आज पुल बांध लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद।